जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रमज़ान स्पेशल और समर स्पेशल एक रिफ्रेशिंग कोल्ड ड्रिंक की रेसिपी। झटपट 2 मिनटों में बहुत ही आसानी से आज हम बनाएंगे रूह अफजा लस्सी, आप इसे रोज़ लस्सी भी कह सकते हैं। गर्मी के मौसम में जब प्यास की शिद्दत बढ़ जाए तब आप इसे 2 मिनट में घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि घर पर बहुत ही आसानी से रोज़ लस्सी कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम ब्लेंडिंग जार ले लेंगे और इसमें हमें ऐड करनी है 1/4 किलो यानी कि 750 ग्राम दही। तो दही हमने यहाँ पर जो लिया है वो बिल्कुल गाढ़ा है और इसी के साथ हमें इसमें चीनी ऐड करनी है। अब दही कितना खट्टा है उस हिसाब से आप चीनी की क्वांटिटी मेज़र कर सकते हैं। तो हमने 1/4 किलो दही के लिए यहाँ पर 4 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी ली है। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी कम कर दें। और इसी के साथ हम इसमें 10 से 12 आइस क्यूब्स ऐड कर देंगे। तो पहले हम इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे तकरीबन 10 से 12 सेकेंड्स के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसे ज़्यादा ब्लेंड नहीं किया, सिर्फ 10 से 12 सेकेंड के लिए ब्लेंड करेंगे। अब हमें इसमें ऐड कर देना है 4 टेबलस्पून रूह अफज़ा। आप यहाँ पर रूह अफज़ा की जगह किसी भी ब्रांड का रोज़ सिरप ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो रूह अफज़ा डालने के बाद हमने इसे फिर से 10 से 12 सेकेंड्स के लिए ब्लेंड कर लिया और अब इसे सर्व कर लेंगे। लस्सी को सर्व करने से पहले हम ग्लास में सबसे पहले आइस क्यूब्स ऐड कर देंगे और अब हमने जो लस्सी बनाकर रखी है वो ऐड करेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया और क्रीमी लस्सी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही बढ़िया रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। आप इस गर्मी के मौसम में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लस्सी को सर्व करने के बाद हम इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा रोज़ सिरप या फिर रूह अफज़ा पोर कर देंगे, इससे इसे बहुत ही बढ़िया लुक मिलेगा। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।